हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज की जो रीडिंग है ये हम करने वाले हैं, देखेंगे कि आपके जो पार्टनर हैं वो आज सुबह सुबह क्या कुछ सोच रहे थे आपके बारे में। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि आपके जो पार्टनर हैं आज सुबह सुबह क्या सोच रहे थे आपके बारे में। ठीक है, ओके। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि दी रोज़ क्वास के बारे में बता दो। रोज़ क्वास के बारे में मैंने आपको कितनी बार बताया है, ये लव लाइफ के लिए है रोज़ क्वास। ठीक है, ये लव लाइफ के लिए है आपके। अगर आपकी लव लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है या हस्बैंड वाइफ के बीच में प्रॉब्लम चल रही है जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा अनबन होती है, ठीक है, तो ये जो ब्रेसलेट है, ठीक, ये जो ब्रेसलेट है ये ब्रेसलेट आपकी हेल्प करेगा। ठीक है, ये ब्रेसलेट आपकी हेल्प करेगा आपको जो है आपका जो रिलेशनशिप है उसको सही करने में। ठीक, ये आपको सेल्फ लव करना सिखाएगा। ये जो ब्रेसलेट है इसकी इतनी अच्छी पावर है, इसकी इतनी अच्छी एनर्जी है, हीलिंग एनर्जी है, ये हीलिंग ब्रेसलेट है। इतनी अच्छी सी इसकी एनर्जी है कि आपको निगेटिव नहीं होने देता है जल्दी, लेकिन जिसके ऊपर निगेटिविटी ज़्यादा हावी हो सकती है, होगी तो क्या कर सकते हैं, है ना। तो ये इस ब्रेसलेट के लाभ हैं, यानी कि आपके स्पेशली लव लाइफ के लिए और रिलेशनशिप के लिए ये ब्रेसलेट है। ठीक है, सो आपको पता चल गया, अब ज़्यादा मैंने एक्सप्लेन नहीं किया। चलिए देखते हैं कि आपके जो पार्टनर हैं वो आज सुबह सुबह आपके बारे में क्या सोच रहे थे। प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए एंजल्स, यूनिवर्स एंड सिस्टर्स। प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। ओके, चलिए देखते हैं। ओके, बॉटम ऑफ द डेक पेज ऑफ कप्स का कार्ड है, बॉटम ऑफ द डेक। ओके, सो गाइज, यहाँ पे जो एनर्जी है इसके अनुसार से मुझे दिख रहा है कि आपके जो पार्टनर हैं आज सुबह सुबह सबसे पहले तो बहुत ही ज़्यादा एक प्यार भरा मैसेज आपको देना चाहते थे, प्यार भरी बात बोलना चाहते थे। आज सुबह सुबह इनकी एनर्जी मैं देख पा रही हूँ कि एनर्जी बहुत ही ज़्यादा एक जो होती है ना कि एनर्जी बहुत ज़्यादा एक जो होती है ना कि क्या कहूँ मैं, जिससे होता है ना कि मेरे पास शब्द नहीं मिल रहे हैं कि मैं आपको एक्सप्लेन करूँ, बच्चों वाली है ना, बच्चों वाली एनर्जी से क्या होता है कि बच्चों का मन कैसे बदलता है, कभी ये चाहिए मम्मी, कभी वो चाहिए मम्मी, है ना, करते रहते हैं ना। तो वैसे ही आपके पार्टनर का भी यहाँ पे मन अभी हुआ पड़ा है, यानी कि आपसे जो है ना ये पर्सन बहुत ही इनोसेंट तरीके से जो है कुछ कहना चाहते हैं, बहुत ही इनोसेंट तरीके से आपको कुछ बताना चाहते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि आपके पार्टनर जो है आपको बहुत ही एक जो होता ना कि फोकस होकर के है ना ये करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, टेम्परेंस, क्वीन ऑफ कप्स, चैरियट की एनर्जी है, पेज ऑफ पेंटिकल्स, द हर्मिट,
सिक्स ऑफ वैंड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ सॉर्ड्स। ओके, यहाँ पे मुझे आपके पार्टनर आज सुबह सुबह आपके बारे में सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं कि आपके पार्टनर को एक बहुत बड़ा रिस्क लग रहा है। ठीक है, आपके साथ रिलेशनशिप में आना इनके लिए एक बहुत बड़ा रिस्क है, चैलेंज है, और उस चैलेंज के सामने ये पर्सन डट के खड़े भी हैं। ऐसा नहीं है कि ये पर्सन भाग रहे हैं, ये पर्सन खड़े भी हैं, बट जितना मैच्योरिटी की ज़रूरत है इस रिलेशनशिप में, वो मैच्योरिटी कहीं ना कहीं इस पर्सन की एनर्जी में नहीं दिखाई दे रही है, इस पर्सन में नज़र नहीं आ रहा है। ये पर्सन की फीलिंग्स, इस पर्सन के इमोशंस मुझे क्लियरली दिखाई दे रहे हैं कि कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पे एक मतलब कि आपके जो पार्टनर है ना, उनको तकलीफ होते हुए दिखाई दे रही है। ठीक, आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा अकेले बैठ करके सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये पर्सन बहुत ज़्यादा अकेले हो गए हैं। ये पर्सन की एनर्जी मुझे बता रही है कि ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा जो है, ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा जो एक होता है ना कि तकलीफ़ में होता है, दर्द में आदमी होता है, तो क्या होता है कि उसका कहीं किसी से बात करने का मन नहीं करता है। वैसे ही आपके पार्टनर का भी आज सुबह सुबह मन हुआ था कि ये पर्सन किसी से बात करने के मूड में नहीं थे, और आपको उस समय सोशल मीडिया पे कहीं ना कहीं देखने की कोशिश कर रहे थे, कहीं ना कहीं आपको ढूंढने की कोशिश कर रहे थे कि क्या है क्या नहीं है, या कहाँ है, ऑनलाइन है या नहीं है, या कुछ पोस्ट डाला हुआ है कि नहीं डाला हुआ है। ठीक है, क्योंकि कुछ अपडेट इनको चाहिए आपसे, कुछ अपडेट जो है ना, ये पर्सन सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं कि कुछ अपडेट अगर मिल जाए तो कुछ पता चले अपने पार्टनर के बारे में। ठीक है, तो वो मुझे दिखाई दे रहा है। आपके पार्टनर और आपके बीच मुझे यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है जैसे कि टेम्परेंस की एनर्जी है। आपके पार्टनर आपके साथ बहुत कुछ बैलेंस करना चाहते हैं, इस रिलेशनशिप में बहुत ही ज़्यादा कुछ बैलेंस करना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा कुछ जो है ये पर्सन, देखिए रिलेशनशिप में जो भी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, ठीक है, इसको अगर समझ करके सॉल्व किया जाए, है ना, तो रिलेशनशिप काफ़ी बेहतर हो सकता है, काफ़ी अच्छा हो सकता है। ठीक है, लेकिन ये जो पर्सन है आपके, कहीं ना कहीं इसकी वजह से परेशानी मुझे दिखाई दे रही है। ठीक है, मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो है आपको लेकर के, इस रिलेशनशिप को लेकर के बहुत ही ज़्यादा परेशान होते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। ठीक, मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है, और मुझे यहाँ के एनर्जी के अनुसार से ये भी दिख रहा है जैसे कि किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। आपके जो पार्टनर हैं, देखिए बहुत सारी चीज़ों को ये पर्सन ऑब्जर्व कर रहे हैं, देख रहे हैं, लेकिन इसमें कोई भी, ठीक है, कोई भी डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। ये पर्सन बस देखते हुए दिखाई दे रहे हैं कि चलो ठीक है, जो भी चीज़ें होंगी, बट अभी फ़िलहाल जो है ना, वक्त ऐसा है कि हम कोई एक्शन नहीं ले सकते हैं या कोई डिसीज़न नहीं ले सकते। ठीक है, मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है, यहाँ चैरियट की एनर्जी एंड सिक्स ऑफ वैंड्स की एनर्जी है, जो कि बता रही है कि आपके पार्टनर आपके करीब आना चाहते हैं,
आपके करीब आकर के आपके साथ रिलेशनशिप को स्टार्ट करना चाहते हैं, आपके पार्टनर आपके पास आकर के इस रिश्ते को, है ना, एक नई अपॉर्चुनिटी देना चाहते हैं, एक नया चांस देना चाहते हैं, एक जो होता है ना कि रिलेशनशिप में आ गए और फिर से चीज़ों को सही करने लगे, है ना, तो उसमें एफर्ट जो है ना आपके पार्टनर को, आपके पार्टनर की थिंकिंग तो दिख रही है कि ये जो चीज़ें हैं, जो भी आप दोनों के बीच में हुई हैं, जो भी चीज़ें हुई हैं, है ना, उस चीज़ में जो है ये पर्सन उस चीज़ को इग्नोर करे और लाइफ में आगे बढ़े, क्योंकि आपके अंदर मैच्योरिटी है, ठीक है, आप मैच्योर हो, आप ऐसे इंसान हो कि आप सब कुछ बैलेंस कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो आप अपनी लाइफ में, आप उतने स्टेबल हो, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे क्लियरली दिख रहा है कि आपके जो पार्टनर हैं आपके साथ आपकी लाइफ में आना चाह रहे हैं, ठीक है, आपकी लाइफ में आना चाह रहे हैं और आपकी लाइफ में आकर के इस रिश्ते को निभाना चाह रहे हैं, ठीक, मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है। ओके, चलिए कुछ और कार्ड्स निकालते हैं। प्लीज़ मुझे गाइड कीजिएगा एंजल्स। सेवन ऑफ पेंटिकल्स, सेवन ऑफ वैंड्स, सिक्स ऑफ सॉर्ड्स, नंबर सेवन देख रहे हो आप लोग, सेवन सेवन सेवन, ट्रिपल सेवन, ट्रिपल सेवन टैरो विथ रूही, इस चैनल पे आप लोग वीडियो देख रहे हो और ट्रिपल सेवन आया भी है, है ना। तो क्या है, ट्रिपल सेवन से कोई ना कोई कनेक्शन ज़रूर है आपका, ठीक, इस रिलेशनशिप से। देखिए ट्रिपल सेवन का मतलब यही हुआ कि आपकी स्पिरिचुअल जर्नी या फिर आपका कर्मा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे नोट कर रहा है आपके पार्टनर का कर्मा। कोई भी कार्ड ऐसा नहीं आया है जो कि सोलमेट का बताए, जो ट्विन फ्लेम का बताए, यहाँ पे सिर्फ कर्मा के कार्ड आए हैं, यानी कि आपके पार्टनर का कर्मा। यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि आपके पार्टनर का कर्मा यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा, वो कहते हैं ना कि ख़राब और परेशानी वाली, है ना, वो मुझे दिखाई दे रही है, ठीक है, मुझे यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है, बहुत ही ज़्यादा कर्मा जो है ना ख़राब है यहाँ पे। नाइट ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है, ओके, सॉरी सॉरी सॉरी, नाइट ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड बॉटम ऑफ द बॉटम ऑफ द डेक के रिंग यहाँ पे है। तो यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है आपके कार्ड्स में कि आपके जो पार्टनर हैं, सेवन ऑफ पेंटिकल्स, सेवन ऑफ वैंड्स, सेवन ऑफ सॉर्ड्स, यहाँ की एनर्जी के अनुसार से मुझे दिख रहा है कि आपके जो पार्टनर हैं यहाँ पे, देखिए थिंकिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, बहुत ही ज़्यादा आपके पार्टनर इमोशनल होकर के भी सोच रहे हैं और प्रैक्टिकल होकर के भी सोच रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे ऐसा दिख रहा है जैसे कि ये पर्सन सोच रहे हैं कि क्या करूँ मैं, ठीक है, क्या करूँ मैं, क्या करूँ मैं इस रिश्ते के लिए, ठीक है, इस रिश्ते के लिए मैं क्या करूँ, आपके पार्टनर की थिंकिंग मुझे यहाँ पे ये दिखाई दे रही है। ये पर्सन कहीं ना कहीं स्टेबल नहीं हो पा रहे हैं, यहाँ पे जगलिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं आपके पार्टनर, मुझे यहाँ पे जगलिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं, इस रिश्ते को बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपके पार्टनर की एनर्जी दिखाई दे रही है कि ये पर्सन जो है ना एकदम से, जो होता ना कि कैसे करें, क्या करें, कैसे करें, क्या करें, है ना, तो वो स्टेबल नहीं दिख रहा है चीज़ें, ठीक है। मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि आपके पार्टनर कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजन में हैं, बहुत ही ज़्यादा जो है प्रॉब्लम में हैं, और ये जो पर्सन है यहाँ पे स्टेबल नहीं हो पा रहे हैं, इस रिश्ते में स्टेबल नहीं हो पा रहे हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ, ये पर्सन बहुत सारी चीज़ों को छुपाना भी चाह रहे हैं, भुलाना भी चाह रहे हैं, बट यहाँ पे ऐसा दिख रहा है जैसे कि धोखा मिला है और धोखा मिल करके इस रिश्ते में ऐसा जो है ना हुआ है, ठीक है, मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है।
सो मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है कि आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा जो है चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहे हैं, बहुत एक जो होता है ना कि लाइफ में है ना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, और यहाँ पे ये पर्सन ने बहुत सारी बातें छुपाई भी हैं। ठीक है, रियलिटी में यहाँ पे दिख रहा है कि ये पर्सन ने बहुत सारी बातें छुपाई भी हैं, और आपके पार्टनर की एनर्जी दिखाई दे रही है जैसे कि ये पर्सन यहाँ से लेकर के मतलब ये जो पर्सन है ना मतलब कहीं अगर आपके पार्टनर दूसरे स्टेट में रहते हो, यानी कि लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो, तो आपके पार्टनर आपसे मिलकर है ना अपने आप को क्लियर करना चाहते हैं, क्लैरिटी देना चाहते हैं कि मैं बेकसूर हूँ और मेरा इंटेंशन ऐसा नहीं था, यानी कि गेम खेलना नहीं था, या तुम्हें धोखा देना नहीं था, या तुम्हें चीट करना नहीं था, अचानक से ऐसे हुआ तो कहीं ना कहीं जो है ना आपके पार्टनर मुझे ये फील करते हुए दिखाई दे रहे हैं, ये देखते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, ओके, आपके जो पार्टनर हैं यहाँ पे आपके पार्टनर मुझे कभी कभी ऐसा दिख रहा है जैसे कि ये पर्सन कभी सोच रहे हैं कि ठीक है मैं जाता हूँ, कभी सोच रहे हैं कि नहीं, मतलब ये जगलिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्लियर है कि जगलिंग कर रहे हैं, ज़्यादा जगलिंग हो रही है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे आपके पार्टनर के अनुसार बहुत ज़्यादा जगलिंग होती हुई दिखाई दे रही है। देखिए, चीज़ों को समझना और चीज़ों को पूरी तरीके से क्लियर होना थोड़ा सा टफ दिखाई दे रहा है आपके पार्टनर के लिए, बट ये पर्सन दिल से चाहते हैं कि आपके साथ क्लैरिटी दे करके आपके साथ आए। ठीक है, सो ओवरऑल रीडिंग में मुझे यही दिख रहा है। चलिए मैं जो है रोमांस एंजल ओरेकल डेक से भी निकालूंगी कुछ कार्ड्स। ओके, ओके, बॉटम ऑफ द डेक, अनरिक्वायर्ड लव। चलिए, यहाँ पे मुझे दिख रहा है जैसे कि इनको कुछ ऐसे प्रपोजल्स भी मिल रहे हैं, या आपको प्रपोजल्स भी मिल रहे हैं जिनके साथ, मतलब कि आपको प्रपोजल तो मिल रहे हैं बट आप इंटरेस्टेड नहीं हो। ठीक है, किसी के साथ भी जाने में आप इंटरेस्टेड नहीं हो क्योंकि आपको अपने पार्टनर का इंतज़ार है। ठीक, और मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि बहुत सारे मेरे व्यूअर्स ऐसा भी दिख रहा है कि उनके पार्टनर के पास भी प्रपोजल्स आ रहे हैं बट वो उन प्रपोजल्स को एक्सेप्ट ना करते हुए आपका इंतज़ार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। गिव योर रिलेशनशिप चेंज सॉरी चांस। ओके, हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन, पास्ट लाइफ रिलेशनशिप एंड है केमिस्ट्री। ओके, तो यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके जो पार्टनर हैं, देखिए आपके लिए काफ़ी ज़्यादा पैशनेट हैं, ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा पैशनेट हैं आपके लिए, आपकी जो फीलिंग्स हैं, जो इमोशंस हैं वो जो है ये फील करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है, यहाँ के एनर्जी के अनुसार से क्लियरली दिख रहा है कि आपके जो पार्टनर हैं काफ़ी ज़्यादा इनके अंदर पैशन है, काफ़ी कुछ चीज़ें हैं, काफ़ी जो है ना काफ़ी कुछ चीज़ें आपके तरफ अट्रैक्शन ज़्यादा हो रहा है इनको। ठीक है, और इसीलिए ये पर्सन जो है ना आपसे एक चांस चाहते हैं। मैं देख पा रही हूँ कि यहाँ पे जो सॉरी
यहाँ पे जो रिश्ता है यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा एक बहुत ही रोमांटिक वे में जा रहा है, यानी कि अपने रिलेशनशिप को एक चांस देने का मौका यहाँ पे दिख रहा है। और अब वक्त आ चुका है कि आप दोनों मिल करके हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन करें, यानी कि बातें करें, टेबल टॉक करें, और जितनी भी बातें हैं, जितने भी गिले शिकवे हैं आप दोनों के रिलेशनशिप में, उन सारे गिले शिकवे को है ना आप दोनों दूर करें और इस रिश्ते में आगे बढ़ें। ठीक है, अपनी पास्ट लाइफ रिलेशनशिप है जो कि ये आपका, तो पास्ट लाइफ रिलेशनशिप जो कि ये नहीं जाता है, मतलब कि ख़त्म नहीं होता है, और इसलिए जो है ना आपको भी अट्रैक्शन हो रहा होगा और आपके पार्टनर को भी हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ये दिख रहा है, साथ में आपको केमिस्ट्री बनानी होगी, स्ट्रॉन्ग केमिस्ट्री बनानी होगी, इस कनेक्शन को मजबूत करना होगा। ठीक है, इस कनेक्शन को मजबूत करना होगा। यहाँ पे मुझे ये दिख रहा है कि आपके जो पार्टनर हैं इस कनेक्शन को मजबूत करना चाहते हैं, यहाँ की एनर्जी के अनुसार से। ठीक है, मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है। सो ये रही आपकी रीडिंग। सो मिलते हैं फिर अगली रीडिंग में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा अगर आपके साथ ये वीडियो रेजोनेट की है तो। ठीक है, मिलते हैं अगली रीडिंग में। बाय बाय।